السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم. हम्द व सना की बड़ियाई बड़ाई उस ज़ात के लिए जो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुख्तसर हम्द व सना के बाद हज़रात गिरामी का दर नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आमाल का जो दारो मदार है वो नियतों पर है। नियत अगर हमारी खालिस है तो उसका समरा भी हमें खालिस ही मिलेगा। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा जिस काम की नियत करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कोई अमल करता है तो उसकी नियत दुनिया को हासिल करने की है तो उस अमल के बाद उसको दुनिया ही मिलेगी। अगर कोई बंदा किसी औरत को पाने के लिए हिजरत करता है तो उस हिजरत के बाद उसको औरत ही मिलेगी। या बंदा जिस काम की नियत करके अमल करता है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीन किस्म के आदमी कल क़यामत का दिन होगा अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे। सबसे पहला आदमी फरमाया कि वो आदमी जिसने अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद किया होगा और वहाँ पर जिहाद करते किताल करते शहीद हो गया होगा तो अल्लाह उसको बुलाएंगे, उसको अपनी नेमतों के बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे जवानी अता की तो मैंने उस जवानी को तेरे ही रास्ते के अंदर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला कहेंगे कज़बता, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी जो नियत थी वो ये थी कि मैं अगर जिहाद करूंगा किताल करूंगा अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा तो लोग जो है वो मेरी बहादुरी के चर्चे करेंगे कि यार बड़ा बहादुर था, बड़ा दलेर था, बड़ा जंगजू था। तो अल्लाह कहेंगे कि तूने जिस नियत की वजह से जिहाद किया तुझे वो मैंने दुनिया में अता कर दिया। लोगों ने तेरी बहादुरी के चर्चे भी किए, तेरी जंगजुई के चर्चे भी किए, तुझे शोहरत भी मिली, आज तुझे ये सज़ा मिलेगी कि तुझे मेरे फरिश्ते पकड़ कर घसीटते हुए जहन्नम का ईंधन बना देंगे। तो फरिश्ते उसको मुंह के बाल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल देंगे। दूसरा वो आदमी कि जो जिसने इलम सीखा और आगे सिखाया, अल्लाह ताला उसको जब बुलाएंगे वो अल्लाह के दरबार में हाज़िर होएगा तो वो अल्लाह उसे अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा और वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे इलम अता किया, मैंने उस इलम को दुनिया वालों के अंदर फैला दिया, लोगों को सिखाया, अल्लाह मेरा वो अमल तेरे लिए था। अल्लाह कहेंगे कज़बता,
तू झूठ बोल रहा है, तेरा तो वो अमल दुनिया को दिखाने के लिए था कि लोग कहें यार बड़ा कारी है, बड़ा माहिर है, बड़ा मुफस्सिर है, बड़ा मुहद्दिस है, तेरा वो अमल दुनिया की नज़रों में इज्जत को पाना था, दुनिया वालों के मुंह से तारीफ सुनना था, तो अल्लाह कहेंगे मैंने वो तुझे अता कर दिया, लोगों ने तेरी तारीफात भी की, लोगों ने तुझे बड़ा अच्छा कहा, आज तेरी ये सजा है कि तुझे मैं जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। तीसरे नंबर पर वो आदमी जो बड़ा सखी होगा, जिसने बड़ी सखावतें की होंगी, जिसने बड़ा मालो मता अल्लाह के रस्ते में खर्च किया होगा, वो कहेगा अल्लाह मेरा वो माल खर्च करना तेरी रजा के लिए था। अल्लाह कहेंगे कज़बता, तू झूठ बोल रहा है, तू तो इसलिए उस माल को मेरे रस्ते में तकसीम करता था कि लोग कहें यार बड़ा सखी है। हजरत मोहतरम, वो तीन आदमी अल्लाह इन तीनों से जहन्नम को भड़काएंगे, गर्म करेंगे कि उनकी नीयतें जो थी वो दुनिया के मालो मता को हासिल करनी थी, अल्लाह की रजा नहीं थी, खालिस नहीं थी नीयत। इसलिए आज हमें ये चाहिए कि हम मस्जिद में आते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अज़कार, हमारी सुबह शाम की नमाज़ें, हमारा मस्जिद में बैठना, इशराक की पाबंदी करना, ये सब किस के लिए हैं? अगर अल्लाह की रजा के लिए हैं तो खुश हो जाइए, अगर नहीं तो अपने आप का मुहासबा कीजिए, अपना एहतसाब लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।